तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। सही वैल्यू ने जो वन प्लस 8 भेजा है वो मेरा किस कंडीशन का है, फोन में बैटरी बैकअप कैसा है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, कोई भी पार्ट्स यहाँ पे डिफेक्टिव है कि नहीं, तो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसे आप इन शॉर्ट आप एक रिफर्बिश्ड फोन का रिव्यू मान सकते हो। नया फोन में एक्सपीरियंस अलग होता है, जब आप सेकेंड हैंड फोन खरीदते हो तब उसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस जो होता है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सही वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से सही वैल्यू से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, कोई भी फोन जब हम लोग रिफर्बिश कंडीशन में ऑर्डर करते हैं तो हमारे मन में एक चीज हमेशा डाउट रहता है कि फोन में स्क्रैच वगैरह बहुत हो सकता है, फ्रेम में बहुत ज्यादा हमें स्क्रैच देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में हमें स्क्रैच देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सही वैल्यू से जो प्रोडक्ट आया है इसे आप लाइक न्यू ही कह सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट जब आप निकाल लेते हो बॉक्स के बाद तो दो दिन के बाद जिस तरह का कंडीशन होता है वैसा ही फोन का कंडीशन है। तो ओवरऑल इस फोन का जो मुझे स्पेशली कंडीशन मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है, और फोन का जो फिजिकल कंडीशन है उसके ऊपर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जब भी आप कोई रिफर्बिश्ड फोन ऑर्डर करते हो तो जनरली जो चार्जर, डेटा केबल और बॉक्स होता है वो हमें ओरिजिनल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस 8T के साथ मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ पे बॉक्स भी ओरिजिनल मिला है, चार्जर भी वन प्लस का ही मिला है, डेटा केबल भी वन प्लस का ओरिजिनल चार्जर मिला है, ओरिजिनल डेटा केबल मिला है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत कम जगह पे होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो एकदम चकाचक है, किसी भी एंगल से अगर हाथ में आप पकड़ोगे, किसी फ्रेंड को अगर हाथ में फोन पकड़ा दोगे तो वो फ्रेंड भी आपको पूछेगा कि आप इसको कितने में बाय किए हो, यहाँ तक उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये एक रिफर्बिश फोन है। तो जब भी हम लोग रिफर्बिश फोन खरीदते हैं तो अगर इस तरह का कंडीशन हो जिससे पता भी ना लगे कि ये ओल्ड है तो मजा ही कुछ अलग सा आ जाए, और जो कि इस फोन के साथ है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका जो फिजिकल ओवरव्यू है वो आप लोगों को कैसा लगा। ये एक 2020 का फोन है, लेकिन OnePlus 8T डिजाइन लैंग्वेज जो फॉलो करता है वो काफी मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो अगर आप हाथ में पकड़ते हो तो फोन काफी मॉडर्न लगता है, किसी भी एंगल से आपको नहीं लगता है कि ये एक बैकडेटेड डिजाइन का फोन है। तो ओवरऑल OnePlus 8 का जो डिजाइन है उस तरह का जो डिजाइन आता है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिजाइन एकदम कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है। साइड में यहाँ पे पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह का डिजाइन में अगर आपको रिफर्बिश फोन लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है वो काफी अच्छा रहता है। अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें, चाहे यहाँ पे हम लोग कंटेंट वॉचिंग की बात करें, तो इस तरह का डिस्प्ले में आप लोगों को एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है। बाकी इसका डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही साथ HDR10 को सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट भी है। तो जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मैं जनरली अपने सारे वीडियो में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है वो आप गूगल से भी अगर सर्च कर लोगे तो आपको पता चलता है। मेरा यहाँ पे मोटो ये रहता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि यूजर को क्या पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप इस तरह का फोन ले लेते हो तो यहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत लोग फोन को जनरली गेमिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं या तो मल्टीटास्किंग के लिए यूज करते हैं, और आजकल यूट्यूब या तो बहुत जगह पे ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करता है, लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत लोग रील बनाता है, यूट्यूब पे रील बनाता है, और यहाँ पे काइनमास्टर जैसे कोई एडिटिंग ऐप चला लेता है, तो उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। और प्रोसेसर 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो यहाँ पे बैटरी एफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं, बाकी लोगों को तो डेफिनेटली पता होगा, यहाँ पे नैनोमीटर या तो आर्किटेक्चर जितना छोटा होता है उतना ही पावर एफिशिएंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 7 नैनोमीटर की बात करूं तो बैटरी ज्यादा एफिशिएंट होगा कंपैरिजन टू 8 नैनोमीटर या तो 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को 7 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है, जिसके कारण बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं दिन में एक बार फुल चार्ज कर लेता हूँ, चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके साथ आपको बहुत ही बढ़िया वर्क चार्ज देखने को मिलता है, जिसके कारण फोन आपको लगभग 40 मिनट में कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। और अगर आप एक बार कंप्लीटली चार्ज करोगे तो आप अगर हेवी भी यूज करते हो फोन को तो एक दिन आराम से चला सकते। तो ये जब फोन लॉन्च हुआ था तो 42,000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, अभी आज के डेट में आपको लगभग ये 25,000 से थोड़ा सा ऊपर 26,000 27,000 में
मिल जाता है, लेकिन इसका जो कैमरा रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। चाहे आप सेल्फी से फोटो लो या तो बैक कैमरा से फोटो लो, कैमरा रिजल्ट एकदम ऑसम यहाँ पे मिल जाता है आपको। और इस कैमरा में आपको OIS का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण जो वीडियो का क्वालिटी निकल के आता है वो अच्छा आता है, वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल आता है। तो मैं कोशिश डेफिनेटली ये करूंगा कि इस फोन का जो कैमरा रिव्यू होगा वो एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वाला फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और यूज करते हुए यहाँ पे मुझे इस फोन में कोई भी कॉन्स नजर नहीं आया है। एक कॉन्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो ज्यादा बनाता हूँ यूट्यूब पर्पज के लिए या तो इंस्टाग्राम पर्पज के लिए, और इस फोन में हमें 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो भी आपका बोया माइक होता है या तो 3.5mm का कोई भी अगर आप माइक यूज करते हो तो इस फोन के साथ आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एडप्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा इस फोन का। बाकी ओवरऑल आज के डेट में भी अगर आपको वन प्लस 80 जैसे फोन लगभग 26-27 हज़ार में मिल जाता है अच्छे कंडीशन में, तो मेरे हिसाब से इसे लेना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये 5G फोन है और लगभग सारे के सारे बैंड जो है वो इसके साथ सपोर्ट करता है। बहुत लोग मुझे यहाँ पे हर एक वीडियो में कमेंट करके पूछता है कि आप कहाँ से ऑर्डर करते हो और ऑर्डर कैसे करना है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल में सही वैल्यू से कैसे ऑर्डर करना है उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नॉट ओनली वन प्लस 80, आपको डिफरेंट मॉडल के फोन मिल जाएगा, आप चाहे तो कोई भी फोन परचेज कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से हम लोग बहुत ही जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक काफी बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए, जो कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बाकी मुझे कमेंट में आप लोग ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा रिफर्बिश्ड फोन का या तो कौन सा वेबसाइट से फोन परचेज किया जाए, क्या फोन परचेज किया जाए, और जो भी आपका फीडबैक सजेशन है वो कमेंट में आप लोग बिल्कुल देते रहना, क्योंकि मैं आप लोगों का हर एक कमेंट यहां पे पढ़ता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।